पुराणों के अनुसार देवसेनी एकादशी के बाद विष्णु भगवान निंद्रावस्था में पाताल लोक चले जाते हैं अगले 4 महीनों के लिए राजा बलि के महल में आराम करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगले 4 महीनों तक पृथ्वी का कारभार आखिर संभालता कौन है। एकादशी के दूसरे दिन ही लग जाता है गुरु पूर्णिमा, तो अगले 4 दिनों तक इस पृथ्वी को हमारे गुरुदेव संभालते हैं। उसके अगले दिन सावन लगता है, तो 30 दिनों तक महादेव इस पृथ्वी को संभालते हैं। फिर आता है भाद्रपद, जब 19 दिन तक कृष्ण भगवान हमारे पृथ्वी को संभालते हैं। और उसके बाद आता है गणेश चतुर्दशी, तो अगले 10 दिनों तक पृथ्वी का कारभार हमारे गणेश भगवान के हाथों में होता है। फिर आता है पितृपक्ष, जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो अगले 16 दिन तक इस पृथ्वी का कारभार हमारे पितरों के हाथों में सौंप दिया जाता है। उसके बाद आता है दुर्गा पूजा, यानी कि अगले 10 दिनों तक हमारी जगत जननी दुर्गा माँ इस पृथ्वी को संभाल के रखती है। उसके बाद आता है दिवाली, तो अगले 20 दिनों तक पृथ्वी का कारभार हमारे लक्ष्मी माता के हाथ में होता है। और आखिरी के बचे 10 दिन, जब कुबेर जी हमारे पृथ्वी को संभालते हैं। और फिर आती है देवउठनी एकादशी, जिस दिन विष्णु भगवान अपनी निंद्रावस्था से उठते हैं और वापस से वही गतिविधियां फिर से चलती हैं और पुनः विष्णु भगवान अपने पृथ्वी को संभालते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ग्रंथ का गौ नहीं पढ़ा, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं। हमारे ग्रंथ के हर एक शब्द में, हर एक चीजों में कुछ ना कुछ मान्यता है। और फिर से आपको एक बार कहें कि सनातन से साइंस है, तो पहले अपने धर्म को पढ़िए, अपने शास्त्र को पढ़िए, उसके बाद सवाल उठाइए।